नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के वजह से लॉकडाउन का फैसला लिया गया था। धारा 144 का पालन ना करने पर पुलिस लोगों पर डंडे भी बरसा रही थी, वहीं भूखे गरीब लोगों को वो खाना भी खिला रही थी। लेकिन अचानक सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रही है, जिसे देख के आप भी हैरान हो जाएंगे। लोग पुलिस कर्मी और स्वास्थ्य कर्मचारियों पर पथराव कर रहे हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए लॉकडाउन के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमलों की घटनाओं को देख अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सख्त फैसला लिया है। राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है कि अब जो भी लोग पुलिस कर्मियों पर हमला करेंगे, उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका लगा दिया जाएगा। गौरतलब है कि देश में कई जगहों पर पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले की खबरें आई है। बिहार के मुंगेर जिला के कासिम बाजार थाने क्षेत्र के हजरतगंज इलाके में कोरोना वायरस संक्रमण के संदिग्ध व्यक्ति की जांच करने के लिए नमूना लेने के लिए डॉक्टरों और पुलिस की टीम पहुंची थी, पर उन पे भी पथराव किया गया। स्थानीय लोगों ने उनके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया था। इसी तरह पश्चिम बंगाल में अलग अलग स्थानों पर लॉकडाउन के आदेश लागू करने के दौरान हुए हमलों में 9 पुलिस कर्मियों को घायल भी कर दिया। आप देखें कि किस तरह से कोरोना पर डीएम के साथ सीएम योगी की मीटिंग हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक कर रहे हैं सीएम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।